माई किचन। आज की हमारी रेसिपी है करेले गोश्त। करेलों का नाम सुनते तो फौरन से दिमाग में उनका कड़वापन आ जाता है और इसी कड़वे होने की वजह से कुछ लोग इनको खाना छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे आज मैं आपको बनाना बताऊंगी, इसमें आप उनकी कड़वाहट को कैसे दूर कर सकते हैं ये आपको मैं अपनी रेसिपी में बताऊंगी। और आप जब उनको इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताऊंगी आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने हाफ के जी मटन लिया, एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ली। फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। अब इसमें मैं वाटर ऐड करूंगी। आप गोश्त को प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी। नेक्स्ट हम मसाले ऐड करते हैं। साल्ट, हसबे ज़ायका, पिसी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून और अकॉर्डिंग टू टेस्ट 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं और इस तरह से भी। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए हैं, बेसिक्स मसाले हैं हम लोगों के। अभी हमें इसको कवर करके गोश्त टेंडर होने तक रख। चलिए जब तक हमारा गोश्त टेंडर हो रहा है हम करेलों को बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सिंपल वाटर बॉईल कर लिया। अब हम करेलों को बॉईल वाटर में ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने इनको बॉईल वाटर में ऐड कर दिया है। अब इनको आपने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, सिर्फ ओनली आपने इनको वन टाइम मतलब एक बॉयल जब आएगा तो आपने इसको निकाल देना है। अब यहाँ पे मैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून सिरका। अब हम इसकी बॉयल आने का वेट करते हैं, जैसे इसमें एक बॉयल आएगा हम निकाल देंगे क्योंकि हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है पानी में। पानी को बॉयल आने तक हम अनियन की कटिंग कर लेंगे। 3 अदद मैंने प्याज ली है, इसको मैं चॉप कर लूँगी। देखिए पानी में अच्छा सा बॉयल आ गया है, अब हम इनको निकाल देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। ये देखिए मैंने इनको पानी से निकाल दिया, कलर इनका बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। अब हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ऐसे जब आप करेंगे तो करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहेंगे। जैसे पहले घंटों नमक लगा के रखना, उनको रगड़ के धोना, तो ये चीज़ें आपकी ट्रिक ऐसी है कि इसमें आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। फिर हम करेलों को फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। फ्लेम को ऑन किया मैंने, ऑयल ऐड किया कढ़ाई लिए, उसमें ऑयल ऐड किया। अभी ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो हम इनको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा ठंडा हो जाए तो आपने ऐसे उनको हाथ से प्रेस करके उनका पानी निकाल लेना है। अच्छे से इसको स्क्वीज कर लेना है। ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसको थोड़ा देर डाल देंगे। इस तरह से आप थोड़े थोड़े से डाल के फ्राई कर लेंगे। सबको आपने एक साथ नहीं फ्राई करना, इस तरह से थोड़े थोड़े डाल के आप फ्राई करके निकाल लेंगे। इनको गोल्डन ब्राउन होने पे हम निकाल देंगे। देखिए इनका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है, अब हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इनको डार्क ब्राउन नहीं करना। वैसे कोई भी टिश्यू पेपर प्लेट पे रख के, किचन टॉवल रख के आप इनको निकाल दें। इसी तरह से हम बाकी के करेले भी फ्राई कर लेंगे। हमने करेलों को सेम प्रोसेस के साथ सारे हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप से जाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही इसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही मज़ेदार बग़ैर कड़वाहट के आप करेले बना सकते हैं, और जो नहीं भी पसंद करते वो भी खाएँगे और फिर आपको बताएंगे कि ये बहुत ही मज़े के और बिल्कुल भी कड़वे नहीं है। अभी भी अगर आप इनको फ्राई किए हुए करेले भी आप अगर टेस्ट करें तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं है, लेकिन आपको इसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपने देखनी है और फुल वीडियो आपने देखनी है और सेम आपने यही प्रोसेस फॉलो करना है। जिस ऑयल में आपने करेलों को फ्राई किया है आप इसी ऑयल में भी नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं ऑयल को हमेशा थोड़ा देती हूँ, और अगर चाहूँ तो मैं उनको दूसरे ऑयल को चेंज करके उसमें भी बना सकती हूँ, ये आपकी मर्ज़ी है। चॉप किए प्याज को हम ऐड कर लेंगे ऑयल में। अब हम प्याज को थोड़ा ब्राउन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना, हल्का सा
मिक्स सौते हो जाए। इसी तरह से आपने वीडियो को फुल देखना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। प्याज को सौते होने तक हम टमाटर को काट लेंगे। 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, इनको मैं चॉप कर लूँगी। 3 से 4 अदद मैंने ग्रीन चिली ली, इनको प्याज के साथ ऐसे ऐड कर लेंगे। ये देखिए मैंने प्याज को ब्राउन नहीं किया। इस स्टेज पे आपने 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करनी है। हल्दी हमने फ्लेवर के लिए ऐड की है बस, बाकी मसाले तो हमने गोश्त में डाल दिए थे। जो टमाटर हमने चॉप किए थे उनको आपने ऐड कर लेना है। चॉप किए हुए टमाटर हमने ऐड कर दिए। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इनको हम 1 मिनट के लिए कवर करेंगे, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। ये टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। अभी करेले जो फ्राई किए थे वो हम ऐड कर लेंगे इसमें। करेलों को आप 5 मिनट के लिए ऐसे फ्राई कर लेंगे। जब हम करेले फ्राई कर रहे थे तो गोश्त टेंडर हो चुका था, इसका मसाला रेडी, तो मैंने इसको साइड पे रख लिया था। अब इसमें हम करेलों का मसाला ऐड कर देंगे। जो करेलों का मसाला बना हुआ था उसको हमने गोश्त में ऐड कर लिया। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। लेकिन गोश्त में ऐड करने के बाद अभी से इसका इतना अच्छा कलर बन गया, लेकिन हमने इसको फ्राई करना है। अभी 2 मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। अभी हम इसको 2 मीडियम फ्लेम पे फ्राई रख देंगे, इसको कवर करके 5 मिनट के लिए। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है, हम इनको 5 मिनट के लिए 2 फ्लेम पे पका लेंगे। करेले गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। अब इसको मैं डिश में निकाल लूँगी। बहुत ही मज़ेदार करेले गोश्त तैयार हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक देना है। वो लोग स्पेशली जो कड़वा होने की वजह से करेलों की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, ज़रूर आपने ट्राई करना है।